हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बकलावा स्वीट। यह एक टर्किश डिश है और इसे घर की चीज़ों से आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, उसमें डालेंगे मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, अनसॉल्टेड मेल्टेड बटर 4 टेबल स्पून, आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, अब धीरे धीरे थोड़ा दूध मिलाकर इसका एक डो रेडी कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे मिलाइए, हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। ये डो रेडी हो चुका है, इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटा हो चुका है, इस तरह से राउंड कर लेंगे, इक्वल पीसेस में इसे कट कर लेते हैं। काउंटर टॉप पे हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों को मिक्स करके उसकी डस्टिंग की है। अब रोलिंग पिन की हेल्प से इसे चपाती की तरह बेल लेंगे। हमें इसकी बिल्कुल पतली पतली सी चपाती बेलनी है, इस तरह से। इसे इस तरह से प्लेट में रख दीजिए मैदे की डस्टिंग करकर। इसे मैंने एक चपाती को प्लेट में रख दिया है, इसी तरह से मैं दूसरी चपाती भी बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से कीजिए, इसके ऊपर भी मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर का डस्टिंग किया है। ऐसा करने से ये आसानी से बनती है, एक दूसरे से चिपकती नहीं है। सारी चपाती इसी तरह से बेलकर एक के ऊपर एक रख देंगे। सभी पे इस तरह से डस्टिंग कर लेते हैं। इसे हमें और पतला करना है, काउंटर टॉप पे हम इसे फिर से रखेंगे। इसे फिर से और पतला करेंगे। देखिए इस तरह से इसे सब साइड से पतला करें। और डस्टिंग की है मैंने, फिर से इसे बेलेंगे। ये स्टेप इसका बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल पतला बेला जाता है। इंटरेस्ट में ये बनने के बाद में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। देखिए इस तरह से इसे पतला बेल लिया है। अब इसे कॉर्नर कट कर लेते हैं। इक्वल पीसेस में हम इसे कट करेंगे स्क्वायर।
देखिए इस तरह से आप इसे कट करें। मैंने इसकी मार्किंग पहले ही कर ली थी, अब मैं इसे कट कर रही हूँ। इसकी फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे लिया है काजू, बादाम, अखरोट और ये सिनेमन स्टिक ली है, दालचीनी। इसे सिर्फ हम एक पिंच पाउडर डालेंगे। देखिए इतना सा डाला है मैंने इसमें। सारे ड्राई फ्रूट को मैंने ग्राइंड कर लिया था। शुगर पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून, बटर या घी, इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ हम हमारी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं बकलावा को बैक करने के लिए। हमने जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर रेडी किया था फिलिंग के लिए उसे हम इस तरह से रख देंगे। अब इस तरह से इसका शेप देंगे। आप चाहे तो इसका कैसा भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको इस शेप में रख रही हूँ। ये देखिए कॉर्नर्स इसके फोल्ड कर लिए। अब एक पैन में घी से हम उसे ग्रीस करके और सभी बकलावा को इस तरह से रख देंगे। इसे कढ़ाई के अंदर रख देते हैं। इसके ऊपर मैं मेल्टेड घी डाल रही हूँ। आप मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए स्पून की हेल्प से मैं इसमें सब में घी डाल देती हूँ। और इसे ढक देंगे। इसे 45 to 1 hour तक लो फ्लेम पे बेक करेंगे। अब इसका शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 2 cup शुगर, 1 cup वाटर। इसका हमें सिरप बनाना है, थोड़ा सा थिक बनाना है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। अब यहाँ ऐड करेंगे लेमन जूस। टू टेबल स्पून हनी। हनी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये बॉईल कर लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारे बकलावा भी बैक हो चुके हैं और जो अब चाशनी हमने ठंडी की है उसे इस तरह से सभी बकलावों पे डाल देंगे। अच्छे से चाशनी सभी में डालें। ये देखिए इसमें सभी में अच्छे से चाशनी डल चुकी है। अब इसे कम से कम 5 घंटे तक हम रखेंगे ताकि चाशनी इसमें अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। उसके बाद में मैंने इसमें पिस्ता डाल दिए और ये रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।